योनिसो माला ज्योतिरादित्य साहब, योनिसो माला अपनी पार्टी को कौन खरीद सकता है ज्योतिरादित्य साहब को। पिछला आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने रिटायर्ड पीएसओ इरशाद मोहम्मद खान को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए गौरीशंकर बिसेन ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहते हैं कि वो बिक गए हैं। मैं कमलनाथ जी से कहता हूँ, आप पार्टी ही नहीं संभाल पाए। कमलनाथ जी, आपने विकास किया है, खूब किया है, लेकिन हिस्सेदारी कितनी है आपकी? आप ज्योतिरादित्य जी को कहते हो कि बिक गए, दल बदल दिए, तो घर क्यों नहीं संभाला? एक फिल्म में है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मैके चले जाऊंगी, तू देखते रही। क्यों नहीं संभाला ज्योतिरादित्य साहब? क्यों नहीं संभाला अपनी पार्टी को? कौन खरीद सकता है ज्योतिरादित्य साहब को? माधवराव सिंधिया जी के बेटे, उनके फादर, फोर फादर, जब से धरती पे उस परिवार ने जन्म लिया है, राजघराना है। और आप तो छिंदवाड़ा आए हो, शायद पश्चिम बंगाल से, कैसे है मुझे पता नहीं। आप हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का धूल हम पे उड़ाओ, हमें पता है कुछ सड़कें आपने छिंदवाड़ा की बना दी, ये विकास नहीं। चलो मेरे लाल बर्रा बालाघाट, देखिए रूरल डेवलपमेंट, आपकी किताब के विकास की दायरे में अकेला छिंदवाड़ा है, 52 जिले क्यों नहीं? आप जहां जाते हो मैंने गोद लिया कहते हो, फिर गोद लेने वाले पिताजी अपने पिता का धर्म क्यों नहीं निभाते? क्यों नहीं दिया बालाघाट को विकास? वहीं गौरीशंकर बिसेन ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि चुनाव में फिर मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलेगा और शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीएम बनेंगे। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।